वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आप सब कैसे हैं? आई होप के फिट फाट मज़े से हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी पकौड़ा, जो कि ज़रूर यकीनन आपने बनाए होंगे, लेकिन आप इसे मेरी रेसिपी से बनाएं तो फिर देखें आपको ओरिजिनल टेस्ट आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया ग्राइंडर का जग। इसके अंदर जाएगा ये 1/2 kg योगर्ट जाएगा इसके अंदर, ये 1 कप के करीब जाएगा इसमें बेसन। इसमें डालूंगी मैं 1 tablespoon लाल मिर्च, 1/2 tablespoon हल्दी और 1/2 tablespoon सॉल्ट। डालेंगे इसके अंदर 2 glass पानी, करेंगे इसको कवर। फटाफट से बनाएंगे इसको, इसकी लस्सी कढ़ी के लिए। कढ़ी के लिए लस्सी हमारी बेसन वाली तैयार हो गई है। ये देखें इसकी लुक, लेकिन ये भी थिक है। इसमें मैं 1/2 glass पानी और डालूंगी। 1 glass मैंने डाल दिया इसमें, इस तरह 3 glass पानी इसके अंदर चला गया। अब step 2 करेंगे कढ़ी के लिए। कढ़ी के लिए step 2 करेंगे, मैंने 1/2 cup ऑयल डाला है ऑलिव ऑयल इसके अंदर, और इस तरह लो फ्लेम पे मैं इसको बनाऊंगी। 1 pinch मैं डाल रही हूँ ये मेथी दाना, और 1 teaspoon मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा, और चॉप किए हुए 10 से 12 cloves लहसुन के ये डाल रही हूँ। लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। लो फ्लेम पे बस 1 से 2 मिनट। दो मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये चॉप की हुई 1 हरी मिर्च और 3 से 4 ये बड़ी वाली लंबी वाली लाल मिर्च, इसे भी 1 मिनट फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। बस 1 मिनट के बाद डाल देंगे इसके अंदर लस्सी, ये जो हमने बनाई थी बेसन वाली कढ़ी के लिए। फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छा सा। जैसे बबल बनेंगे मैं इसको कवर कर दूंगी। कढ़ी के अंदर बबल बनना शुरू हो गया है, इस स्टेज पे मैं इसको पकाऊंगी 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, और मीडियम टू लो पे, और इसे 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। कवर कर देंगे इसको, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 20 से 30 मिनट हो गए हैं इस तरह कढ़ी को पकते हुए, बीच बीच में से मैंने इसको चमचा भी चलाया था। अब देखते हैं इसकी लुक,
ये देखिए बड़ी अच्छी सी हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। बस जितनी हमें चाहिए थी थिक, इतनी थिक हो गई है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा थिक हो गया तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें बस इतनी ही चाहिए। अब फ्लेम को करते हैं बंद और करते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। कढ़ी के लिए स्टेप 3 करते हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे पकोड़े। तो ये मैंने 4 स्मॉल पोटैटो के इस तरह बारीक बारीक मैंने काट लिया है। एक प्याज को मैंने इस तरह मीडियम प्याज को इस तरह बारीक काट लिया है। 2 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून जाएगा ज़ीरा। 1 टीस्पून क्रश धनिया और 1 प्याली जाएगा इसके अंदर बेसन और जाएगा इसके अंदर धनिया। 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया। 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट। क्रश चिली 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हल्दी और डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी। करेंगे इसको अच्छा सा मिक्स। मिक्स करेंगे अच्छा सा। 2 पिंच इसके अंदर डालेंगे मीठा सोडा। इसे भी मिक्स करेंगे अच्छा सा। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब बनाएंगे हम इसके पकोड़े। पैन में आयल हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया है। पकोड़े बनाएंगे कढ़ी के लिए। मीडियम टू लो पे मैंने सारे पकौड़े डाल दिए हैं। जैसे इनकी एक साइड पकती है उसकी साइड चेंज करेंगे। कढ़ी के लिए पकौड़े हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इन्हें उलट पुलट करके मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है। दोनों तरफ से हो गए हैं। अब मैंने निकाल लूँगी। बाकी के पकौड़े फ्राई करेंगे। कढ़ी के लिए बाकी के भी हमारे पकौड़े बड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये देखें इनकी लुक। इन्हें भी मैं निकाल लूँगी। कढ़ी को दोबारा से गर्म करेंगे और जो पकौड़े बनाए हैं वो कढ़ी के अंदर शिफ्ट करेंगे। थोड़े से पकौड़े बचा लेंगे गार्निश के लिए। मिक्स करेंगे अंदर अच्छा सा। अब बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप इसका। जो कढ़ी का तड़का है वो तैयार करेंगे। कढ़ी के अंदर पकौड़े डाल के इसको मैंने साइड पे कर दिया। अब बनाते हैं इसका तड़का मज़ेदार सा। पैन में मैंने डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। इसमें डालेंगे ये स्लाइस किए हुए प्याज। ये 1/2 प्याज है। मिक्स करेंगे इसको अच्छा सा। लो फ्लेम पे बनाएंगे तड़का ताकि प्याज हमारे जले ना। प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये 1/2 टीस्पून से भी कम, ये थोड़ी सी 2 पिंच कलवंजी डालेंगे और 1/2 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर ज़ीरा और डालेंगे इसके अंदर ये 5 से 6 ये गोल लाल मिर्च। करेंगे प्याजों के साथ इसको फ्राई अच्छा सा। तड़का हमारा बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। फ्लेम को करेंगे बंद और इसमें से आधा तड़का उठा के डालेंगे कढ़ी के अंदर।
डालेंगे सब्ज धनिया, करती हूँ मैं आप इसको डिश आउट। लीजिए कढ़ी के साथ मैंने राइस भी उबाल लिए हैं, हमारे बड़े अच्छे से रेडी हो गए हैं। इस तरह आप प्लेटर बनाएं, अपनी फैमिली को सर्व करें। और ये जो मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है, जब सर्व करते वक्त आप जो बाकी का मैंने बचाया था ये तड़का, ये डालेंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ये जब सर्व करें तब आप इसको दें, लगाएं ऊपर तड़का। उससे इसकी लुक भी खूबसूरत हो जाएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। लीजिए अपनी फैमिली के लिए बनाएं, मेरे इस तरीके के साथ कढ़ी चावल, और उन्हें इंजॉय कराएं, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं। और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ अपने सब दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और मेरा फेसबुक पेज कुकिंग एंड हेल्थ को भी लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।